हेलो दोस्तों, तो फिर से एक नंबर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों तो आज हमारे पास है हमारा इंडियन खाना है, तो यहाँ पे सबसे पहले राजमा चावल है, उसके साथ साथ यहाँ पे तड़के वाली स्पाइसी दाल है दोस्तों, उसके साथ स्पेशल बाजरे की रोटी है, गेहूं वाली रोटी है, यहाँ पे दाल मखनी विथ राइस है दोस्तों, यहाँ पे ये फराली चूड़ा रखा है, कुछ मैंने सलाड में प्याज लिया है, यहाँ पे वापस से एक्स्ट्रा राजमा भी रखा है, और यहाँ पे दोस्तों रखने के लिए जगह नहीं थी तो ये दाल मखनी यहाँ पे है दोस्तों। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, आज का हमारा इंडियन खाना स्पेशल, तो आज हम देसी स्टाइल में खाएंगे दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये रोटियां मैं साइड में रखता हूँ गेहूं वाली, तब तक ये बड़ी सी बाजरे की रोटी थी, इसको ऐसा चूर मसल के खाएंगे दोस्तों। आप लोगों को ऐसा चूर मसल के खाना पसंद है क्या, कमेंट्स में जरूर बताना दोस्तों, मुझे तो बहुत पसंद है दोस्तों। इसमें जाएगा ये हमारा स्पाइसी वाला दाल, देसी खाने को ऐसे ही खाया जाता है दोस्तों, चूर मसल के बढ़िया से। आनंद ही आनंद दोस्तों, इसमें थोड़ा राजमा भी ले लेता हूँ मैं। आनंद ही आनंद, राजमा चावल शक्ल से पता लग रहा है दोस्तों, स्पाइसी तो होने वाला है ये बहुत। बाजू में छोटा बच्चा है, बहुत रो रहा है। शक्ल देखिए आप एक बार, पानी आ रहा होगा मुंह में, टेस्टी बहुत है, स्पाइसी बट टेस्टी लग रहा है।
मेरी राजमा की कहानी कुछ अलग ही है। मैंने मुंबई में जब आया ना रहने के लिए, तब मैंने राजमा खाया था। मैं बिलोंग करता हूँ नासिक से, महाराष्ट्र से। हमारे उधर राजमा उगता ही नहीं है, तो खाने का सवाल ही नहीं। मतलब लोकल फूड में आता ही नहीं राजमा। और खाते में हुए नासिक में राजमा, पर वो भी होटल्स में या वो पर्टिकुलर घरों में तो नहीं बनता है। महाराष्ट्र घरों में अगर जाओगे तो जो पुराने लोग हैं उनको तो पता भी नहीं राजमा क्या है। क्योंकि नॉर्थ में ज़्यादातर उगता है, पंजाब पहाड़ी एरिया में, हरियाणा, राजस्थान, यूपी। दोस्तों मैं बाद में खा लूँगा, आई एम डन, बिकॉज मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। मेरे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है ज़्यादा अगर खाऊंगा तो जितना मैं इंटेक कर सका मैंने किया दोस्तों। बिकॉज मैं भी ज़्यादा खींचना नहीं चाहता मेरे हेल्थ को। आप लोग मुझे ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे दोस्तों। मैं कंटिन्यूसली मेहनत कर रहा हूँ बट मुझे उतना रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो मैं मेरे हिसाब से खाऊंगा दोस्तों। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।